राजधानी भोपाल में एक मकान को तोड़ने पर नगर निगम घिर गया है। मानवाधिकार आयोग ने एक्शन लिया है। कलेक्टर और एसीपी से 9 सितंबर तक जवाब मांगा है। अतिक्रमण प्रभारी को थप्पड़ मारने के बाद युवक के घर जेसीबी चली थी। इसे लेकर कांग्रेस भी मैदान में कूद गई है। 27 अगस्त को बाणगंगा इलाके में कनीजा बी के मकान को नगर निगम ने अतिक्रमण में बताते हुए तोड़ा था। इस दौरान खूब हंगामा हुआ था। हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष सविस्ता जकी और अतिक्रमण प्रभारी कमर साकिब के बीच जमकर नोकझोंक हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को जमकर आरोप लगाए थे। हालांकि पुलिस के साये में कार्यवाही की गई और अतिक्रमण तोड़ा गया था। इसी मामले को मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान में लेकर नोटिस जारी किया है। कनीजा बी ने कांग्रेसियों के साथ मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन को शिकायत की और आयोग से संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने और मुआवजा दिलाए जाने का अनुरोध किया है। इसके बाद आयोग ने मामला संज्ञान में ले लिया। मामले में आयोग के अध्यक्ष जैन ने भोपाल कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और निगम कमिश्नर से 9 सितंबर तक जवाब मांगा है। अतिक्रमण प्रभारी शाकिब ने बताया, मकान में अतिक्रमण में होने की वजह से बिल्डिंग परमिशन शाखा ने नोटिस जारी किया था। इसके बाद यह कार्यवाही की गई। न्यू मार्केट मामले से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में कांग्रेस ने भी विरोध जताया है। उन्होंने कार्यवाही को गलत ठहराया। विधायक पीसी शर्मा और नगर निगम नेता प्रतिपक्ष जकी ने भी कार्यवाही का विरोध किया है।